हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एनएस हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रेग्नेंट के दौरान महिलाओं के शरीर में कई हार्मोन्स बदलाव होते हैं, जिसका सीधा असर उसके खान पान से लेकर मूड पर पड़ता है। अक्सर महिलाओं को इस समय का अचार जैसा कुछ खट्टा खाना सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, पर क्या आप चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस समय अचार खाना भी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं अचार का सेवन करने से माँ और पैदा होने वाले शिशु को किसी तरह का नुकसान पहुँच सकता है या नहीं। सबसे पहले जान लेता हूँ प्रेग्नेंट के दौरान अचार खाने के फायदे। प्रतिरक्षा प्रणाली। दोस्तों गर्भवती महिलाओं को अचार का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका सेवन ज्यादा मात्रा में ना करें। कच्चे आम, आंवला, गाजर के बने अचार में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिला की इम्यूनिटी को मजबूत करने में उसकी मदद करते हैं। पाचन क्रिया। दोस्तों अचार में अच्छी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो गर्भवती स्त्री की अंत में पहुंचकर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें पाचन क्रिया से जुड़ी परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। शरीर की जरूरतें पूरी करता है। दोस्तों गर्भ में पल रहे शिशु के अच्छे विकास के साथ साथ गर्भवती महिला की सेहत के लिए भी शरीर में पोटेशियम, सोडियम जैसे खनिज तत्वों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी होते हैं। अचार का सेवन करने से बॉडी में खनिज तत्वों का बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है। अचार खाने का नुकसान। ब्लड प्रेशर। दोस्तों अचार में सोडियम की मात्रा अधिक होने पर गर्भवती महिलाओं को ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकते हैं, जो माँ के साथ गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी नुकसान हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन। दोस्तों अचार में सोडियम की मात्रा अधिक होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकते हैं। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के साथ गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। एसिडिटी। दोस्तों अचार का अधिक सेवन करने पर गर्भवती महिलाओं को एसिडिटी, सीने में जलन जैसी परेशानियों भी झेलना पड़ सकती है। सूजन। दोस्तों शरीर में पानी की कमी की वजह से गर्भवती स्त्री को बॉडी में सूजन की समस्या भी हो सकते हैं। दरअसल अचार का अधिक सेवन करने पर बॉडी में सोडियम की मात्रा अधिक होने लगते हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को शरीर में सूजन महसूस होने लगते हैं। अचार खाने से पहले इन बातों को ध्यान रखें। प्रेग्नेंट महिलाओं को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अचार का सेवन करने के साथ पानी का भी सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों बाजार के अचार की जगह गर्भवती महिलाओं को घर में बने ताजे अचार का सेवन करना चाहिए। जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को गैस की समस्या अधिक रहते हैं, उन्हें अचार का सेवन से परहेज रहना चाहिए। अचार खाने का कारण यदि आपको किसी तरह की एलर्जी या गले से संबंधित तो समस्या हो जाते हैं, तो भी अचार के सेवन से परहेज रहना चाहिए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ लाइफस्टाइल, स्वास्थ्य और सौंदर्य से जुड़ी वीडियो प्रतिदिन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।